कांग्रेसियों ने किसानों की फसल नुकसान और बिजली समस्याओं को लेकर कराहल में किया जंगी प्रदर्शन, एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। खबर कराहल से है, जहां आज 4 सितंबर को प्रदेश भर में कांग्रेस पार्टी ने किसानों और आमजन की विभिन्न समस्याओं को लेकर प्रदेश सरकार के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करते हुए राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा है। इसी क्रम में कराहल में भी कांग्रेसियों ने आज अतिवर्षा से किसानों की बर्बाद हुई फसलों और आए दिन की बिजली समस्या को लेकर एक जुलूस कराहल में निकाला, जिसमें उन्होंने बीजेपी सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी करते हुए अपना विरोध दर्ज किया। कराहल तहसील परिसर पहुंच उन्होंने विभिन्न मांगों को लेकर राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन भी सौंपा, जिसमें सभी जनहितेशी मांगों को शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण किए जाने की बात कही है। इस दौरान सैकड़ों की तादाद में कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। देखिए कराहल संवाददाता अमित कुमार श्रीवास्तव की रिपोर्ट। आज प्रदेश भर में कांग्रेस ने एक आंदोलन किया है, क्या किन समस्याओं के लिए कर ये आंदोलन है? आज पूरे मध्य प्रदेश में कांग्रेस कमेटी ने सभी ब्लॉक मुख्यालयों पर ज्ञापन दिए, जिसमें क्षेत्रीय समस्याएं और किसानों की समस्याएं, जैसे अभी जो बरसात हुई है भारी अत्यधिक, उससे फसल नष्ट हो गई है। धान, उड़द, मक्का, तिली, बाजरा चौपट हो गए हैं, तो बीजेपी सरकार ने अभी तक उसका सर्वे नहीं कराया है, जिससे किसानों को आर्थिक परेशानी उत्पन्न हो गई है और किसान अन्नदाता भूखा मरने की स्थिति उत्पन्न हो रही है। और दूसरी, भाजपा सरकार के जो कर्मचारी बैठे हैं, नेता बैठे हैं, वो किसानों के लिए बिजली की सप्लाई समय पर नहीं होने दे रहे। जगह जगह ट्रांसफार्मर खराब पड़े हुए हैं और फूकी डीपी पड़ी हुई है, जिससे हालत हो रही है प्रदेश की जनता की। इसके लिए हम लोगों ने, पूरी कांग्रेस कमेटी ने ज्ञापन दिया है। क्या लग रहा है मुकेश जी, उपचुनाव में जो होने वाला है क्या ठीक रहेगा? और यहाँ पे कांग्रेस पार्टी उपचुनाव भारी मतों से विजय होगी, क्योंकि नेता लोग चले गए हैं, लेकिन वरिष्ठ नेता ऐसे कई हमारे साथ में, जो भाई साहब खड़े, कमल सिंह हरविलास दादा, दीपक त्रिपाठी, ऐसे पूरे विधानसभा में वरिष्ठ नेता, और जनता करेगी चुनाव, नेता थोड़ी करेंगे चुनाव, जनता वोट देगी। जहाँ तक कांग्रेस का जो भी प्रत्याशी रहेगा, उसका एक मंत्री से चुनाव होने वाला है, तो किस तरह तैयार है क्या कांग्रेस? पूरी तरह से तैयार है, कांग्रेस पार्टी ने तैयारी कर ली है, पूरी विधानसभा में कांग्रेस के विधायकों की ड्यूटी लगा दी है, 34 सेक्टरों में पूरी विधानसभा को बांटा है, हर सेक्टर पर एक एक विधायक की ड्यूटी रहेगी और वरिष्ठ नेता सांसदों की। आज आपने जो मांगों को लेकर एसडीएम को ज्ञापन दिया, इन मांगों को कब कह रहे हैं वो, कब इन पर अमल कर दिया जाएगा, कब इन समस्याओं का निराकरण कर दिया? एसडीएम महोदय ने आश्वासन दिया है, जल्दी, बोले आज ही फोन लगा के बोलते हैं संबंधितों को, अधिकारी कर्मचारियों को। यदि ये नहीं करते हैं तो क्या दोबारा से सड़कों पर उतरेंगे कांग्रेसी? अगर इन्होंने हमारा एक हफ्ते में निराकरण नहीं किया, तो पूरी कांग्रेस कमेटी इसका फिर सड़कों पर उतरेंगे, हम लोग आंदोलन करेंगे।